नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास टेंथ टेंथ हिंदी महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूल शिक्षा पूरी तरह उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे जिनसे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्ययन से परिचित होना है। वह हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के संस्थापक, समालोचन और अनुवादक थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञ रंजन स, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, निबंध संग्रह, संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला मोद महिला उपयोगी पुस्तक है। तो आध्यात्मिकी दर्शन की द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं जिनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के संपादन से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचन को स्थापित करने का श्रेय भी उनको जाता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोजपरक कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।